नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मंजरी शुक्ला आप सभी का हिंदी कहानी शाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिंदी हिंदी है जिंदगी समूह की मैं आभारी हूँ, और साथ में समूह के जो जो संचालन करते हैं मिस्टर ऋषि शर्मा, उनकी भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि हम लोगों ने मिलकर एक कहानी का ये कार्यक्रम की, जिसे कहते हैं, रूपरेखा तैयार की और इसको शुरुआत की। और पिछली बार इसकी पहली कड़ी आप लोगों ने सुनी थी, आज मैं इसकी दूसरी कड़ी लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई हूँ। कहानी के बारे में, जैसे कहानी शाला में हम लोग बताते हैं, इसमें चार तरह की जो बातें हैं, जो जो लोग मेरे साथ पिछली बार नहीं जुड़ पाए थे या जो हमारे दोस्त नए जुड़ रहे हैं, उन्होंने पूछा था इसके बारे में, तो मैं बताना चाहूंगी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं। इसमें हम कहानी के बारे में आपको बताते हैं। शुरुआत में जब पहला एपिसोड हुआ था, यानी कि जो पिछली कड़ी थी, उसमें हमने आप लोगों से कहानियां मांगी थी। हमें बहुत सारी प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी, जिसके अंतर्गत हमने 9 कहानियों का चयन किया था। और मुझे बताते हुए ये बहुत हर्ष हो रहा है, ये बहुत खुशी का विषय है कि जिन लेखकों की कहानियां चयनित हुई थी, उन्हें ई प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा, और उनकी कहानियां हर रविवार को मैं यहाँ पर पढ़कर सुनाऊंगी। इसके अलावा पिछली बार मैंने एक कहानी दी थी, अधूरी रचना पूरी करो के अंतर्गत, उसमें मैंने कुछ शब्द बोले थे एक कहानी की शुरुआत के, और उसको आपको हमें 500 शब्दों तक में पूरा करके भेजना था। हमें उसमें भी लोगों का बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिला, सहयोग मिला, बहुत लोगों ने हमें कहानियां भेजी। उसमें से इस बार हमारे जो पैनल है, हमारे समूह ने 3 कहानियां सिलेक्ट की है, 3 कहानियों का चयन हुआ है। आज मैं कार्यक्रम के बीच में या अंत में आपको उन कहानियों को पढ़कर बताऊंगी, उन लेखकों के नाम के साथ। और आज फिर कहानी मैं आपको एक पूरी करने के लिए दूंगी। इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। जो लोग कहानी पहले भेज चुके हैं और जिनकी कहानियां आज मैं पढ़ूंगी, वो भी अपनी अधूरी रचना पूरी करो में कहानियां भेज सकते हैं। और इसमें मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाऊंगी, जैसा कि इस कार्यक्रम का पूरा फॉर्मेट है। तो सबसे पहले मैं उन लेखकों को बधाई देती हूँ जिन लोगों की कहानियां चयनित हुई थी। मैंने पिछली बार भी उनके नाम बताए थे, इस बार फिर से मैं आपके सामने उनके एक बार नाम दोहराना चाहूंगी। उनकी कहानियों के शीर्षक के साथ कुल 9 लेखक हैं। जैसे पहली है अंजू छारिया, पश्चाताप के आंसू, डॉक्टर उमा मेरा की पूंछ वाली सुनहरी पतंग, नीरू सिंह की डांस क्लास, सुषमा रजनीश की भालू की परेशानी, राजेंद्र कुमार सिंह की बूंद बूंद मिलकर बनती है सागर, शिवचरण सरोहा की सच तो यही है, अश्रु माफ कीजिएगा अंशु आनंद की त्याग, और डॉक्टर विजयानंद की नाक की अशर्फी, और दीपिका शर्मा की भगवान करे। तो ये हमारे लेखक थे जिनकी कहानियां चयनित हुई हैं। इसमें आज कहानी शाला का आरंभ करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे पास मतलब सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करूंगी इसकी कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पिछले रविवार को जब मैंने कहानी शाला का कार्यक्रम जो था वो आयोजित हुआ था, उसको सुनने के बाद, उसको देखने के बाद, बहुत सारे लोगों ने अपने प्रश्न भेजे, और इससे ये पता लगा कि वो लोग कहानियां लिखना चाहते हैं। और ये बड़ा बड़ा अच्छा लगता है देख के कि कहानी लेखन जो है ये एक तरह से लोगों का शौक बनता चला जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने जो कहानियां भेजी, उनसे मुझे भी बहुत सीखने का मौका मिला, मुझे नई नई बातों का पता चला, कुछ नए विचार मन में आए। इसी तरह से तो जाकर कहानियां बनती हैं। तो जिन्होंने मुझसे कहा है कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिएगा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछे कहानी से रिलेटेड, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको उसके बारे में थोड़े से टिप्स दे पाऊंगी। जैसे कुछ प्रश्न आए हैं कहानियों के संबंधित, तो एक प्रश्न है कि कहानियों की शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए। तो
इसके लिए ऐसा है कि कहानियों की शब्द सीमा बच्चों के हिसाब से रखी जा सकती है। छोटे बच्चों को जैसे पिक्चर ज्यादा अच्छी लगती है, उन्हें चित्र लुभाते हैं। अगर आप 2.5 साल, 3 साल या 4 साल के बच्चे को एक किताब पकड़ा देते हैं जिसमें अंधेरी रात है, नीला आसमान है और उसमें एक चांद चमक रहा है बड़ा सुंदर सा, और उसके आसपास ढेर सारे वो ट्विंकल करते हुए, जगमगाते हुए सितारे हैं, तो बच्चा जो है वो चित्र देखने में ज्यादा रुचि लेगा, उसको वो ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि उसको चित्र पहले समझ में आते हैं। और वो कहानियों की जो किताब होती है वो मोटी होती है आमतौर पर छोटे बच्चों की। इस वाले से कनेक्ट कर देते हैं, आ रहा है, माफ कीजिएगा 1 सेकंड, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हें आ रहा है? मैं इंटरनेट से कनेक्ट कर लेती हूँ। आप लोगों को मेरा कार्यक्रम जो मैं बोल रही हूँ, ये बातें ये सुनाई पड़ रही हैं? अगर आप कमेंट दे देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, प्रमोद जी, आप क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नीरू, मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू दीपिका, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। आप बैठ जाइए, यहाँ बता दीजिएगा। मैं ये कह रही थी कि बहुत से लोगों ने अपने प्रश्न पूछे थे मुझसे कहानी से संबंधित, और मैं ये बताना चाहूंगी कि पहला प्रश्न था जिसमें ये पूछा था कि कहानियों की शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए। तो कहानियों की शब्द सीमा बच्चे की उम्र के हिसाब से जो है उनका चयन किया जा सकता है, और कहानी हमें कितनी लंबी लिखनी है या कहानी कितनी छोटी लिखनी है ये भी हम बच्चे की उम्र के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक उदाहरण दे रही थी कि अगर कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए 3-4 साल का, तो उसको जब वो कहानी पढ़ेगा या उसके पास एक कहानी की किताब है, छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं और उनके बड़े चमकीले से, चिकने से पेजेस होते हैं और चित्र होते हैं, तो बच्चा जो है वो वाक्यों पे ध्यान इतना नहीं देगा क्योंकि जो 3 साल का बच्चा होगा या 3.5 साल का बच्चा होगा, 4 साल का बच्चा होगा, वो अपने घर वालों से कहता है कहानी सुनाने के लिए। तो बड़े लोग उनको जो है वो उसी एक वाक्य को 10 तरह के रस में ले लेकर, जिसे कहते हैं, उस तरह से बड़ा सुनाते हैं, पर बच्चा कहाँ इंटरेस्टेड होता है? बच्चा जो होता है उसको चित्र पसंद आता है। अगर एक चंद्रमा का चित्र है और उसके आसपास बहुत सारे जगमगाते हुए सितारे हैं, तो बच्चा जो है वो चित्र देखकर ही खुश होगा और उसे ये लगेगा कि हाँ, मतलब उसके ये समझ आ जाता है कि जो कहानी है वो उसी के इर्द गिर्द बुनी गई है। तो उसमें 8 या 10 वाक्य या 12 वाक्य तक होते हैं छोटे बच्चों के उसमें। उससे अगर आप बड़ा एज ग्रुप लेते हैं, जिसे 6 से कह सकते हैं हम, 6 साल से 7 साल या 8 साल या 9 साल, तो इन बच्चों के लिए 400 या 500 शब्दों की कहानियां जो हैं वो पर्याप्त होती हैं। बच्चे उतना अपने स्कूल में भी हिंदी और इंग्लिश पढ़ना सीख लेते हैं, तो अगर उनको कोई नहीं भी सुनाए तो वो खुद अपनी कहानियां जो है वो सुन सकते हैं। और फिर 10-11 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के बारे में अगर आप कहानी लिखना चाहती हैं तो उनके लिए आप बड़े शब्दों की भी कहानियां लिख सकती हैं। 1,000 शब्द तक की कहानियां आराम से जा सकती हैं, क्योंकि 12-13 वर्ष की उम्र में जो छोटे बच्चे हैं वो बाल उपन्यास वगैरह पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आशा है कि आपने मेरा प्रश्न सुना और अब आप जो कहानियां लिखेंगी एक बार मुझे जरूर दिखाएंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़कर। उसके बाद एक प्रश्न और आया है कि जो टॉपिक होते हैं वो तो लिमिटेड होते हैं,
तो उसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में एक आम के पेड़ का एग्जाम्पल देकर बताया था कि एक मास्टर जी हैं, वो 4-5 बच्चों को या 8-10 बच्चों को लेकर एक आम के पेड़ के पास जाते हैं, और उसी वक्त माली जो है वो पके हुए आमों को गिराने के लिए डंडा मारना शुरू कर देता है, और एक बच्चा है तो वो कहता है कि अरे मैं ये समझ गया हूँ कि जोर जबरदस्ती से काम नहीं चलता, मतलब प्यार से काम नहीं चलता, जोर जबरदस्ती से ही काम चलता है, तो मैं जो हूँ ये सिखाऊं। दूसरा कहता है कि अरे नहीं, आम का पेड़ तो कितना अच्छा है, इतना मार खा रहा है और हमें मीठे फल दे रहा है। तीसरा कहता है कि जो हरे आम गिरे नहीं है, मेरा मन करता है मैं उन पे बंदर छोड़ दूं, वो जाकर हरे आम जो है जाकर वहां से उठा के ले आए और तोड़ दी। चौथा बच्चा कहता है कि मेरा मन करता है कि काश मैं अगर पेड़ पे पढ़ना चढ़ना सीखता तो ये सब जो पढ़ाई वगैरह है ये सब पढ़ना छोड़कर मैं सीधे आम के फल खाता। तो ये अपना अलग अलग तरह का नजरिया होता है, परसेप्शन होता है, दृष्टिकोण होता है। इस तरह से आप एक ही विषय पर देखिए कितने सारे लोगों का जो सोचने का ढंग है वो अलग अलग होता है। अगर वहां पर पहला बच्चा कहता है कि अरे ये तो जो आम का पेड़ है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा मन करता है मैं इस पर जाकर बैठूं, और मास्टर जी बाकी 10 बच्चों से भी वही पूछते और बाकी 10ों के 10 बच्चे भी अगर यही कहते कि हाँ हमारा मन भी कर रहा है कि हम पेड़ पर जाकर बैठे और आम तोड़े, तो यहाँ पर जो है वो मौलिकता नहीं रह जाती, यहाँ पर आ जाती नकल। पर जिन बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए, अलग अलग अपने विचार के हिसाब से जवाब दिए, वहां पर जाकर हमारी कहानी जो है वो मौलिक बनती है। इस तरह से अगर हम त्योहारों की बात करते हैं, अभी तो पूरा जो आने वाला है सीजन पूरा त्योहारों का आने वाला है, तो अगर दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, पोंगल, ओणम, यहाँ तक कि अगर हम नवरात्रि या गणेश चतुर्थी की भी बात करते हैं तो उनके ऊपर कहानियां लिखी जा सकती हैं, लिखी ही जाती हैं, सालों से लिखी जा रही हैं, पर कहानियां हर व्यक्ति अपने हिसाब से अलग अलग उनमें लिख सकता है। किसी के यहाँ जो है वो गणपति पूजन अलग तरह से होता है, किसी के घर में दशहरा अलग तरह से मनाया जाता है, कुछ लोग रावण देखने जाते हैं, कुछ लोग पूरे टाइम देखते हैं उसका जो रावण दहन होता है। इस साल तो कोरोना के कारण बड़ा मुश्किल है कि शायद ही कहीं रावण दहन हो, पर अगर कहीं होता है तो उसमें मास्क लगा के जाना पड़ेगा, तो वो अपने आप में एक अलग तरह का अनुभव होगा जिसको कहानी के रूप में, किस्से के रूप में एक रोचक ढंग से बताया जा सकता है। तो अगर हमारे एहसास, हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं, हमारी सोच और हमारे शब्द मिल जाएं तो एक विषय पर 1000 कहानियां लिखी जा सकती है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगी। मान लीजिए अगर आप बारिश के बारे में कहानी लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको बारिश में क्या ध्यान आता है? कुछ लोगों को गर्म चाय याद आती है, कुछ को पकौड़े याद आ जाते हैं, और इसी तरह से बाल कहानियों में भी हम देखते हैं कि पापा जो है उनका मन पकौड़े खाने के लिए कर रहा है और वो ऑफिस से घर आते हैं और कहते हैं चलो आज तो हम मिर्च के पकौड़े खाते हैं। बच्चे को आलू पसंद है, वो मिर्च नहीं खाना चाहता, वो कहता है मैं तो आलू के पकौड़े खाऊंगा, और फिर जब वो लोग इस बात को हंसते हुए बाद में किसी को बड़े रोचकता से, बड़े खुशनुमा ढंग से बता देते हैं तो देखिए एक कहानी तैयार हो जाती है। तो अपने ऊपर बीती गई जो भी घटना होती है या हमारे द्वारा देखे गए जो प्रसंग होते हैं वो हमसे बहुत नजदीक होते हैं और हम उन शब्दों के बारे में पूरा न्याय कर पाते हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जब हम लोग स्कूल जाते थे और बारिश होने लगती थी तो हम लोग और धीरे चलने लगते थे। ये बात आप में से बहुत लोगों को पता होगी क्योंकि अधिकतर सब बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो ऐसा लगता था कि जब भीग रहे हैं तो फिर कायदे से ही भीग जाएं। तो जो लोग बारिश में दौड़ रहे होते थे हमें उनको देखकर बड़ा आश्चर्य होता था कि अरे ये भाग क्यों रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये तो आधा भीग ही गए हैं, अब ये चाहे भागे और चाहे नहीं भागे इन्हें तो भीगना ही है। और छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए जब बारिश होती है तो वो जो गड्ढे होते हैं उसमें पैर मारने लगते हैं, अगर उनके बगल से कोई कार निकलती है सर्र से उस वक्त, और वो पानी के छींटों से उसको पूरा नहला भी देती है बस्ते समेत, तब भी बच्चे खुश होते हैं कि अरे वाह बड़ा मजा आया। उन्हें बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं होती कि स्कूल ड्रेस गंदी हो रही है या किताबें भीग रही हैं। तो पिछले रविवार को जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी अपनी पिंक रोजेस गॉट कोल्ड, जिसके बारे में मैं बता रही थी, तो उस कहानी में मैंने यही लिखा था कि जो बच्चा है उसकी मम्मी जो है वो हमेशा कहती है कि नहीं बारिश में मत भीगो, बारिश में भीगोगे तो सर्दी लग जाएगी, और एक बार वो स्कूल से लौटता है और ड्रिजलिंग होने लगती है, बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, और बूंदाबांदी में ही वो बच्चा जो है वो हल्का सा उसको सर्दी जुकाम हो जाता है।
तो मम्मी कहती है अब तुम्हें जो है इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है। तो बच्चा अपने कमरे से देखता है खिड़की से झांके, तो बगीचे में बहुत सुंदर उसके जो गुलाब खिले होते हैं जिन्हें वो बहुत प्यार करता है, उन्हें देखता है कि वो तो बारिश में भीग रहे हैं। अब बच्चे को लगता है कि बारिश में गुलाब भीग रहे हैं तो इनको तो बहुत सर्दी लग जाएगी जैसे मुझे लगती है। तो वो जाता है और बाम लेकर जाता है, वो जो मम्मी उसको लगाती हैं, और वो बाम लेकर जाता है और वहां पर वो एक एक गुलाब की पत्ती को बड़े प्यार से सहलाता है और कहता है देखो तुम्हारे पास तो कोई कमरा भी नहीं है, तुम्हारी कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें जो है ये बाम लगाऊंगा और इसके बाद अगर तुम्हारे ऊपर बारिश की बूंदें गिरेंगी तो तुम्हें बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी। और जब वो लौट कर आता है तो वो जो बच्चा है वो और बुरी तरह से सर्दी खा चुका होता है, और जब मम्मी उसको डांटती हैं और वो बड़े निर्दोषता से, जैसे कहते हैं इनोसेंटली, मासूमियत से अपनी बात रखता है, तो मम्मी जो है उनके साथ साथ सारे घर वाले हंसने लगते हैं। तो ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव होता है, हो सकता है मैंने शायद किसी बच्चे को ऐसा देखा हो जो मेरे जहन में रह गया हो और सालों बाद भी मुझे उसकी याद आई तो मैंने वो कहानी उसके ऊपर लिखी। बड़े हो चाहे बच्चे हो, कागज की नाव चलाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पानी में भीगने में, पानी में डांस करने में, आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक में, मैंने बहुत लोगों को देखा है वो बच्चों के साथ साथ जब बारिश होती है, पहली बारिश या दूसरी बारिश, तो उसमें वो लोग छत पे डांस कर रहे हैं, छत पे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और वो उसको सब मिलकर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जब बड़े बच्चों के साथ भीगते हैं या बड़े बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं तो वो बच्चों को नहीं डांटते, वो बच्चों को तभी डांटते हैं जब वो खुद उस बारिश का मजा नहीं ले पा रहे होते हैं। तो इसी तरह से ये मैंने एक आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे दिया है, पर इसमें हम कई कहानियों में ये भी बता सकते हैं कि जो बच्चा है वो बारिश में बहुत भीगता है और उसकी मम्मी उसे मना करती हैं और उसको नहीं समझ में आता, तो हम कहानी के माध्यम से बता सकते हैं कि उस बच्चे को बुखार आ गया है और उसे आखिरी में दवा लेनी ही पड़ी। जिसे कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो वो हमारी कहानी में भी जाता है ये संदेश के साथ में कि कोई भी बात होती है, कोई भी संदेश होता है कहानी में, तो उसके अंदर एक अर्थ छुपा हुआ है। कहानी में अलग से हमें कहानी के नीचे बताने की जरूरत नहीं है कि देखिए जब कोई बारिश में जाता है तो वो भीग जाता है या उसको सर्दी लग जाती है या उसको बुखार आ जाता है। प्रेमचंद की कहानियों के बारे में, जैसे मैं, क्योंकि मैं उनको बहुत, मेरे प्रिय लेखक हैं, तो मैं उनका उदाहरण दूंगी कि उन्होंने मानसरोवर के, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास एक प्रश्न आया था जो मुझसे पहले छूट गया कि कहानियों में क्या अंत में संदेश देना चाहिए लिखकर, तो उसकी कोई जरूरत नहीं होती। आपकी कहानी अपने आप में इतनी दमदार होनी चाहिए, उसमें इतना संदेश जो है वो छुपा होना चाहिए कि उसको अलग से उसके लिए संदेश की लाइन की जरूरत ना रहे। तो मैं प्रेमचंद के बारे में बता रही थी कि मानसरोवर के 8 खंड वो लिख गए हैं जिसमें करीब 200 के करीब कहानियां हैं, और आप उनमें कहीं नहीं पाएंगे कि नीचे उसके एक लाइन लिखी हो जिसमें ये लिखा हो कि अरे भाई ये करने से ये होता है तो इससे हमें ये सीख मिलती है। ये सब मॉरल साइंस की बातें होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, जो बहुत छोटे बच्चों को बताई जाती हैं और उनकी कहानियों में लिखा जाता है टेक्स्ट बुक्स में, क्योंकि वो उनको ग्रामेटिकल, उनका पोषण चलता है, उनको व्याकरण में पूछा जाता है। अब अगर आप कहानी लिखते हैं तो कहानी लिखने में एक बात और बहुत ध्यान रखनी है कि कहानी में हमें किसी अंधविश्वास को या किसी जो है बच्चे के मन में डर बैठ जाए, ऐसी नेगेटिविटी को, ऐसी नकारात्मक भावनाओं को हमें नहीं बताना है। बच्चा कहानी तो पढ़े, सिलसिलेवार पढ़े, कहानी का सिरा नहीं छूटना चाहिए, पहली लाइन से लेकर, आपके पहले वाक्य से लेकर कहानी जो है वो आखिरी वाक्य तक जाए। अब ऐसा ना हो कि कहानी में बच्चे ने 4 लाइन लिखी और उसके बाद कहे कि क्या उबाऊ कहानी है और वो कहानी फेंक दे। तो हमारा पाठक अगर बच्चा है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें उस कहानी को किस तरह से बुनना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो अगर हम कहानी में लिख रहे हैं, कहानी में एक मान लीजिए कैरेक्टर मैं बना लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि एक छोटा बच्चा है वो अपना टिफिन नहीं खाता है, तो अब हम उसको इस बात से डराएं कहानी में कि मैं ये लिख दूं कि एक बच्चा है वो खाना नहीं खाता है और वो स्कूल से लौटता है तो उसको जो है वो सड़क के बगल से एक झोली वाला बाबा निकलेगा और उसके पास ऐसी आंखें हैं कि वो ये चेक कर लेगा कि कौन से बच्चे ने अपना टिफिन खाया है और कौन से बच्चे ने नहीं खाया है, और जिस भी बच्चे ने अपना टिफिन नहीं खाया है वो उस बच्चे को अपने झोले में डाल के
ले जाएगा। ये दहशत, ये डर जो हम अगर किसी कहानी में किसी बच्चे के लिए डालते, क्योंकि पाठक तो बच्चा है, तो पाठक बड़े तो समझ जाएंगे कि ये झूठ है, पर बच्चा नहीं समझेगा। बच्चा तो वही समझेगा जितना आप उसको समझा रहे हैं। तो अगर बच्चे के मन में ये दहशत बैठ गई तो वो स्कूल से बाहर निकलने में डरेगा, वो घर पे डरेगा, इवन उसको नाइटमेयर्स होंगे, डरावने सपने आएंगे। तो कहानी में हमें इस तरह का अंधविश्वास जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि जन्म ना ले, ताकि बचपन बचपन से ही उसके अंदर जो डर का भाव अगर बैठ जाएगा तो बड़े होके आप कितने भी काउंसलिंग करवाते रहिए, थेरेपी सेशंस करवाइए, वो नहीं निकलता। मेरे भी अंदर जो भी किसी भी चीज का डर है, तो वो अगर मैं इस उम्र में चाहूं कि वो निकल जाए तो वो नहीं निकल सकता, क्योंकि जिनको हम बहुत आइडियल मानते हैं और जो हमारे बड़े मतलब प्रेरणा देने वाले जो लोग थे, अगर वो कोई किस्सा सुना के चले जाते हैं या कोई कहानी बता के चले जाते हैं, तो फिर कोई कितना भी कहे कि उसमें सच्चाई नहीं है, पर हमारा मन ये मानने को तैयार नहीं होता। इसी तरह से अंधविश्वास के ऊपर एक कहानी है, नाक का मणि, प्रेमचंद जी ने लिखी है उस कहानी को। वो देखिए, बातों ही बातों में उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई है कि जो हम लोगों में सबको ये लगता है कि एक नाग जो है उसके सर पे एक मणि होती है, और जब वो सांप 100 सालों तक जिंदा रह लेता है तो फिर वो इच्छाधारी नाग हो जाता है, और फिर वो घर में आता है और वो हमारे घर वालों का कोई स्वरूप बन के आ जाता है। कभी वो हमारा मम्मी भी बन के आ सकता है, पापा भी बन के आ सकता है, बहन भाई भी बन के आ सकता है। और इस पर बहुत सारी फिल्म भी बनी है और बड़े मजेदार फिल्में बनी हैं, और कहानियां भी बहुत सारी लिखी गई हैं काल्पनिक उस पे घटनाओं पे, और उसमें ये चीज है। तो जैसे छोटे बच्चे ने मुझसे पूछा कि क्या ये बात सही है, तो इसलिए मैं आपको एक ये छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ प्रेमचंद की कहानी का, कि देखिए उन्होंने सिर्फ कहानी के माध्यम से इस बात को कैसे झुठलाया जा सकता है, कितनी सुंदरता से उसका वर्णन किया है कि जो लेखक है उन्होंने फर्स्ट पर्सन में कहानियां लिखी हैं, मतलब ये फर्स्ट पर्सन में ज्यादातर कहानियां उन्होंने प्रथम पुरुष में लिखी है। तो इसमें लेखक बताते हैं कि वो एक नौकर है जहाज के, और वो कलकत्ता से कोलंबो जाते हैं। 7 दिन लगते हैं उनको जाने में, पर उनको इसलिए जाना है क्योंकि उनको जो है वो लंकापुरी देखने का रावण की बड़ा उनका मन था, और उनका दोस्त भी वहां पे रहता है। तो जब ये कोलंबो के सैर करने के लिए जाते हैं तो वहां पे 4 दिन की छुट्टी ले लेते हैं और अपने दोस्त से मिलते हैं। तो जो इनका दोस्त होता है वो बताता है कि अरे समुद्र में तो जो है वो अथाह खजाना है, हीरे मोती माणिक पन्ने तुम सब कुछ पा जाओगे, पर मैं तुम्हें यहाँ एक ऐसी चीज दूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। तो ये कहते हैं कि ऐसी चीज तो सांप का जो है वो मणि होती है सांप की। तो वो कहता है हाँ मैं तुमको सांप की मणि दूंगा। तो ये कहते हैं कि लेखक कहता है कि पर वो तो जो है वो असंभव बात है, क्योंकि वो मणि जिसको मिल जाए वो तो 7 बादशाहों के बराबर जो है वो अमीर हो जाता है। तो वो कहता है हाँ हाँ वही मणि मैं तुमको दूंगा। तो लेखक सोचता है पता नहीं ये संभव है कि नहीं संभव है, पर लेखक जो है वो बहुत इस बात पे खुश हो जाता है, और उसके मन में एक प्रश्न और आता है। वो कहता है पर तुम मुझे कहाँ से लाकर दोगे, सांप तो अपनी मणि जो है वो सिर पे रखता है, और उस वो तो जो है सिर पे रखता होगा तो गिर भी जाती होगी, वो वापस अपने सिर पे रख लेता होगा। तो उसका दोस्त कहता है कि नहीं, सांप जो है वो अपने सिर पे ऐसी कोई मणि वड़ी नहीं रखता, ये सब कहने की बातें होती है, वो उसके मुंह के अंदर रहती है। तो ये लेखक पूछता है कि जब सांप की मणि उसके मुंह के अंदर रहती है, देखिए जैसे बच्चे प्रश्न कर सकते हैं आप उन्हें बताएं तो मणि के नाग मणि के बारे में, तो लेखक कहता है तो फिर अगर सांप की मणि उसके मुंह के अंदर रहती है तो इतनी रोशनी कहाँ से आती है जो इसमें वीडियो में और इसमें दिखाते हैं। तो वो जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि अरे उसे जब रोशनी की जरूरत होती है तो एक साफ साफ पत्थर पर उसे रख देता है, और जैसे ही जरा सा भी खटका होता है या कोई उधर से निकलता है तो वो तुरंत उस मणि को वापस अपने मुंह में रखता है और चल देता है। अब भैया ये जो लेखक होता है ये तो बिल्कुल खुश हो जाता है कि ये तो इतना अमीर आदमी बनने वाला है कि मतलब एक बादशाह भी नहीं, 7 बादशाहों के बराबर इसके पास संपत्ति आ जाएगी। तो लेखक और ये बैठ के ऐसे ही सब अपना मणि के बारे में बात कर रहे होते हैं। शाम का समय होता है, तब तक इसके दोस्त के जो नौकर आता है और वो नौकर कहता है कि अरे साहब जल्दी चलिए, मैंने जो है अभी एक सांप को देखा है और वो जो है वो मणि है उसके पास में। तो मैंने कहा अरे पर तब तक तो भाग जाएगा वो। तो दोस्त कहता नहीं, चिंता मत करो, सांप की आदत है वो एक जगह जहां पे मणि निकालता है बार बार वो उसी पत्थर पर आकर निकालता है, वो अपनी जगह नहीं बदलता।
ये तुरंत दौड़ा दौड़ा जाता है तो देखता है कि ये तो बिल्कुल सही बात थी। रात गहरा रही थी, अंधेरा हो रहा था और सांप बैठा था और उसके बगल में बहुत सारा उजाला हो रहा था। तो लेखक के मन में आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जुगनू हो और ये नौकर जो है ये समझ ना पाया हो। पर लेखक को गौर से देखने पे पता चला कि वो तो जुगनू नहीं है, क्योंकि जुगनू तो जब उड़ता है या अपनी जगह से हिलता है तो वो जलता और बुझता है, टिमटिमाता है, जिसे हम सब कह सकते हैं। पर उसकी रोशनी तो ठहरी हुई है और जुगनू तो बड़ा चंचल सा होता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। खैर, बहुत देर सोचने के बाद जब ये खड़ा रहा तो इसका फिर ये कहता है नौकर से कि मुझे पहले अगर पता होता कि सांप की मणि वाकई में होती है तो मैं बंदूक ले आता। तो नौकर कहता है, नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसा करिए, आप ना पेड़ पे चढ़ जाइए। और ये और इसका दोस्त पेड़ पे चढ़ जाते हैं और जो नौकर होता है वो कीचड़ लाकर एक पेड़ के ऊपर से उस मणि पे गिरा देता है, तो रोशनी जो है वो बंद हो जाती है उसके ऊपर कीचड़ पड़ने से। तो सांप हड़बड़ा जाता है बेचारा, घबरा जाता है, तो वो घबरा के क्या करता है, इधर उधर भागना शुरू करता है और चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही लेखक नीचे पेड़ के उतरने लगता है तो तुरंत नौकर कहता है, अरे साहब, वो जो सांप है वो अभी कहीं गया नहीं है, अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको डस लेगा। तो ये पूछता है, फिर मैं कब तक पेड़ पे रहूं? तो कहता है, अब सुबह तक रहना पड़ेगा, मणि चाहिए थी ना, तो अब सुबह तक यहीं पर बैठो। खैर, ये लोग जो है पूरी रात बेचारे पेड़ पर बैठे 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 काट देते हैं। सुबह जब जब उजाला होने लगता है तो ये लोग नीचे उतरते हैं और वो मणि है वो लेकर आ जाते हैं। अब लेखक के मन में बड़ा बड़ा कौतूहल टाइप का रहता है, बड़ी उत्सुकता रहती है। वो सोचता है कि नौकर भी बता रहा है कि मणि ले लो, दोस्त भी बता रहा है कि मणि ले लो, वहां मणि पड़ी हुई है, इतने लोगों ने देखा, मेरे अलावा कोई वहां ऐसे दौड़ ही नहीं रहा था मणि लेने के लिए। तो वो अपने दोस्त से कहता है कि बाकी सब तो ठीक है, पर पता नहीं क्यों पूरी तरह विश्वास नहीं हो रहा है कि ये असली मणि है। तो दोस्त कहता है कि अरे, ये जो है इसके बारे में हम लोग छानबीन जब हम लोगों ने करी, वो तो मैंने तुम्हें बताया नहीं, छानबीन करने पे पता चला उसको, लेखक को, कि वो एक किस्म का पत्थर होता है जो गर्म होकर अंधेरे में जलने लगता है और जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता है वो इसी तरह से रोशन रहता है, और सांप इसे दिन भर अपने मुंह में रखता है ताकि वो गर्म हो जाए, और रात को जब वो जंगल में निकलता है तो एक सांप पत्थर देखकर उस पे वो जो पत्थर है उसको निकाल कर रख देता है ताकि वहां पे कीट पतंगे आए और वो उनका शिकार कर सके। तो देखिए, बातों ही बातों में कितनी खूबसूरती से एक कहानी भी बन गई, बच्चों के मन का भ्रम भी दूर हो गया कि इच्छाधारी नाग होते हैं या सांप होते हैं या वो जब बरसों साल पुराने, इतना तो कोई जिंदा भी नहीं रहता है जितना उनके बारे में बताया गया। तो अंधविश्वास को हटाने के लिए इस तरह की कहानियां हम लोगों को जो है पढ़नी चाहिए, और जो जिन लोगों ने मुझसे पूछा है उनको मैं ये बता दूं कि वो इस तरह से कहानी लिखें, किसी भी चीज को लेके, कि कोई शेडो दिख रही है रात में, कोई अंधेरा दिख रहा है, तो वो उसको भूत ना समझे। एक मैंने ऐसी कहानी लिखी थी कि दो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें लगता है भूत भूत, तो जब मम्मी आती है तो पता चलता है कि वो टेडी बियर है, और वो टेडी बियर की जो रोशनी होती है वो छाया जो होती है वो एक बहुत बड़ा सा ऐसा जायंट सा, बहुत विशाल सा लगता है कि वो भूत है। तो ये थी मेरी कुछ कहानी शाला में बातें, और अब वे दो कहानियां जो चयनित हुई हैं मैं उनको पढ़ना चाहूंगी। तो आप सबको हार्दिक बधाई। पहली कहानी है सुषमा रजनीश की, भालू की परेशानी। बड़ी प्यारी सी कहानी है, छोटी सी। भालू बहुत परेशान था, जब से उसने शेर राजा के घर खाना बनाने की नौकरी की थी वो परेशानी था। असल में शेर ने उसे शाकाहारी खाना बनाने के लिए कह रखा था। शेर का एक दांत जो टूट गया था और उसे मांस खाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। शेर राजा आजकल बहुत क्रोध और बहुत तकलीफ में थे, वे ना तो कुछ खा पा रहे थे और ना कुछ ठीक से पी पा रहे थे। बंदर ने राय दी कि भालू आपके लिए खाना बना देगा, वो शाकाहारी खाना बहुत अच्छा बनाता है। इसी कारण जो भालू था वो शेर के यहाँ जाके खाना बनाने लगा। भालू की आदत थी पके फल खाने की, उसे तो वो वही खिलाना आता था, पर शेर को भला वो सब कहाँ अच्छा लगता, इसीलिए खाना पसंद ही ना आता। भालू को बेस्वाद खाना बनाने पर रोज डांट पड़ती। भालू को ये भी डर था कि किसी दिन शेर उसे ही मार के ना खा जाए। उसने सोचा कि लोमड़ी चाची से पूछा जाए, वे काफी चालाक और चतुर हैं, शायद वे कोई उपाय बता सकें। फिर सोचा, अरे वो चालाक चतुर तो हैं पर साथ में बहुत धूर्त भी है, क्या पता कुछ उल्टी सीधी सलाह दे दें।
फिर उसने चतुर सियार से राय लेने की सोची, पर वह ठहरा लोमड़ी का चचेरा भाई, तो कहीं मुझे ही ना फंसा दे। ना बाबा ना, ऐसे झूठे मक्कार लोगों से तो सावधान रहना चाहिए। तभी वहां से चपलू खरगोश निकला। भालू को उदास देखकर वो रुक गया। उसने पूछा, भालू काका क्या परेशानी है? भालू को इतने से छोटे से जानवर से मदद मांगने में शर्म तो आ रही थी, तो इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं चपलू, तू जा अपना खेल खेल। चपलू बोला, आपका चेहरा साफ बता रहा है कि आप चिंतित हैं। मुझे बताइए, क्या शेर राजा की रसोई में राशन कम पड़ गया है, या फिर उन्होंने आपको नौकरी से निकाल दिया? नहीं रे, बस शेर राज को मेरा लाया खाना जो है वो पसंद नहीं आता। अब भला उन्हें फल फूल शहद आदि शाकाहारी खाना कहाँ से पसंद आएगा? अगर उन्हें मांसी खाना था, तो फिर मुझ जैसे शाकाहारी को खाना बनाने के लिए क्यों रखा है? कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, उन्हें दिलासा देते हुए नन्हा खरगोश बोला, कोई ना कोई तो उपाय निकल ही आएगा। चपलू अपना सिर खुजाता हुआ सोचता हुआ चल दिया। भालू फिर उदास हो गया। तभी नटखट बंदर वहां उछलता कूदता हुआ आ गया। वो बोला, कहो काका कैसे हो? चपलू कह रहा था बड़े परेशान हो। भालू को बड़ा गुस्सा आया, भला चपलू को ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत थी? अब तो ये खोखो सबको बता देगा। तभी चपलू भागता भागता वापस आया और बोला, काका क्यों ना आज हम शेर राजा को मछली खिलाएं? बंदर बोला, क्या हमेशा मांस मछली की बात करते रहते हो? फल क्यों नहीं खाते? चना मूंगफली खाओ। भालू को चपलू की बात समझ में आ गई। मछली नरम और स्वादिष्ट होती है। भालू ने चैन की सांस ली और बोला, चपलू तू तो है बहुत छोटा सा पर बड़ा ही चतुर है। वाह वाह, क्या उपाय बताया। तो भालू चल दिया मछली लाने के लिए। शेर ने भी खुशी से खाना खाया और सब फिर से खुश हो गए। बहुत खूबसूरत कहानी, आपको कहानी के लिए बहुत बहुत बधाई। दूसरी कहानी है शिवचरण सरोहा की, सच तो यही है। ये कहानी मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रही हूं। एक्सक्यूज मी, रजत बस्ता पैक किया? हाँ मम्मी। सैनिटाइजर रख लिया? जी मम्मी। ग्लव्स पहन लो? ठीक है मम्मी। किसी से हाथ मत मिलाना? ओके मम्मी। कॉपी चेक करवाने के बाद हाथ सैनिटाइज कर लेना? कर लूंगा मम्मी, रजत झुंझलाता हुआ बोला। और अपना पेन किसी को मत देना? अरे समझ गया मम्मी। वैन में मास्क मत उतारना, खिड़की के पास बैठना। ये लगता है मेरे टाइप की मम्मी थी। एक बार दो बार और जब तक 20 बार ना समझा दो तब तक चैन नहीं मिलता है। खिड़की के पास बैठना? अच्छा मम्मी। हाथ सैनिटाइज करते रहना और हाँ, पानी की बोतल जरूर रख लेना। मम्मी पापा से कह देना बढ़िया सा फेस शील्ड ला दें, ब्रांडेड। कल राहुल पहनकर आया था, बड़ा अच्छा लग रहा था। राहुल ने इसने मम्मी से कहा, रजत ने। ठीक है मंगवा दूंगी, तेरी वैन आ गई, अब जल्दी चल। वैन में रजत के दोस्त अतुल और लक्ष्य भी मास्क लगाए बैठे थे। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, तीनों मुस्कुराए, किंतु मुस्कुराहट मास्क में ही छुप गई। हाँ, आंखें जरूर चमक रही थी। मॉर्निंग असेंबली नहीं हुई तो एक दूसरे की टांग खिंचाई भी नहीं हुई। एक वही समय होता था जब लाइन बनाते समय सब आपस में छेड़छाड़ करते थे। स्कूल में अजीब सा महसूस हो रहा था। एक डेस्क पर एक बच्चा बैठा था और आज और रोल नंबर्स वालों की बारी थी। थोड़ी देर पढ़ाने के बाद सर कॉपियां चेक करने लगे। कॉपी चेक करते, फिर हाथ सैनिटाइज करते, फिर कॉपी देखते, फिर सैनिटाइज करते। कुछ समय तक यही होता रहा। पीरियड खत्म होने के बाद भी सब अपनी डेस्क पर ही बैठे रहे। अपना डेस्क छोड़कर कोई इधर से उधर ना जाए। प्रिंसिपल रूम से बार बार माइक पर अनाउंसमेंट हो रही थी। क्लास में बैठे हुए सभी बच्चे मास्क लगाए एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। बातें भी मास्क के पीछे से हो रही थी। आवाजें भी बदली बदली सी सुनाई पड़ रही थी। कुछ आंखों से बोल रहे थे पर अब पहले की तरह जोक सुनाते हुए हाथ पर हाथ नहीं मार सकते थे। रेसेस में सब अपने लंच बॉक्स खोलकर खाने लगे। शेयरिंग बंद थी, हाँ, क्योंकि खाना अब पंचरंगा नहीं था। सब अपना एक रंगा खाना बेमन से खा रहे थे। एक दूसरे के टिफिन को हाथ लगाना मना था। देवेन, राजमा चावल लाया है क्या? उसकी मॉम राजमा चावल बढ़िया बनाती है, पर खाऊं कैसे? मना किया है मम्मी ने, रजत मायूस था।
लक्ष्य को प्यास लगी थी, आज वो अपनी पानी की बोतल लाना भूल गया था। किसी से मांग भी नहीं सकता, बाहर पता नहीं कैसा पानी हो, लक्ष्य सोच रहा था। ग्राउंड में बच्चे इधर उधर बैठे थे, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से आधी छुट्टी की धमा चौकड़ी आज नहीं थी, बिल्कुल गायब थी। आज विवेक भी नहीं आया, उसके बिना तो मेरा मन ही नहीं लग रहा है, उसका रोल नंबर इवन है ना, रजत ने मन में सोचा। प्रिंसिपल सर बार बार टोक रहे थे, इधर उधर मत खड़े हो, ग्रुप बनाओ, मास्क नाक के नीचे नहीं आना चाहिए। बार बार अनाउंसमेंट सुन सुनकर बच्चों के कान पके जा रहे थे। ये कोरोना तो बिल्कुल विलेन बनकर खड़ा हो गया है, सबको यही लग रहा था। 2 दिन बाद लक्ष्य का बर्थडे है, मन मस्ती करने का था, पर लक्ष्य के बर्थडे में केवल घर वाले ही होंगे, लक्ष्य ने बताया। सारी मस्ती धरी की धरी रह गई, लक्ष्य भी अनमना सा था, रजत और दूसरे दोस्त भी मन महसूस रहे थे। सुबह मम्मी रजत को उठा रही थी, उठने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। कल तेरी क्लास नहीं थी, आज तो ऑड नंबर की टर्न है, उठ जा। स्कूल जाने का भी मन नहीं था। बेमन से रजत तैयार हुआ, वैन में भी मन उचाट था। चलती वैन की खिड़की से झांक रहा था, सड़क पर पहले जैसी रौनक नहीं थी। मास्क मुंह पे लगाए लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। सब कुछ उदास उदास सा लग रहा है, कोई चहल पहल नहीं है, सब कुछ ठहरा ठहरा सा। अब इस बंधन में छटपटाहट होती है, सब कुछ जैसे मशीनी हो गया है। हाथ अच्छी तरह धो, शाम को काढ़ा पियो, आइसक्रीम नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, इम्यूनिटी के लिए खट्टी चीजें खाओ, पार्क में खेलने नहीं जाना, फ्रेंड्स के यहाँ नहीं जाना। उफ, क्या लाइफ हो गई है, बेसुरी बेस्वादी। इस बार पापा मनाली ले जाने वाले थे, लेकिन सब कुछ आगे बेचारे ने कुछ सोचा ही नहीं। रजत ने ठंडी लंबी सांस छोड़ी। होमवर्क करने के बाद मोबाइल गेम कब तक खेले, मन तो क्रिकेट खेलने का है, पार्क में धींगा मस्ती करने का, दोस्तों के साथ पिक्चर देखने का। ठंडी कोल्ड ड्रिंक कल पी थी, डर आज तक लग रहा है कहीं गला खराब ना हो जाए। बार बार माथा छूकर देखता हूँ कि कहीं बुखार तो नहीं है, हल्की खांसी भी डराती है। मम्मी 100 बात सुनाएंगी। सोचने का लंबा सिलसिला टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था और रजत परेशान हो रहा था। ना मामा जी के यहाँ जा सकते हैं और ना कोई वहां से आ सकता है। टीवी की न्यूज़ सूचना कम देती है, डराती ज्यादा है। कहीं निकलने से पहले मास्क पहले निकालना पड़ता है। घर की छत आजकल प्लेग्राउंड है, वही पार्क है। वैक्सीन बनने की खबर से पापा बहुत खुश हैं, 2 महीने में भारत में आ जाएगी, तब ये बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। कैसे बनती है पर ये वैक्सीन, रजत के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। अगले दिन स्कूल में लक्ष्य और आदित्य इस बात पर गंभीरता से चर्चा कर रहे थे कि वैक्सीन कैसे बने। स्कूल लैब से लेकर स्टोर रूम तक लैब पर वैक्सीन बनाने की ही चर्चा होती रही। यकायक सभी ए डवर्स जेनर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने अंदर महसूस कर रहे थे, लेकिन घर पहुंचते ही मोबाइल गेम ने सबको गडमट कर दिया। अंदर के सारे साइंटिस्ट गायब हो गए। छोड़ ना यार, भाड़ में जाए कोरोना, कल इवन रोल नंबर्स की बारी है, अपन तो तान के सोएंगे, सोचते हुए रजत मुस्कुराया और रिमोट पर मोबाइल गेम खेलते हुए तेजी से बटन दबाने लगा। लिविंग रूम से टीवी की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। इंसान इंसान ने प्रकृति को बहुत तंग किया, बहुत छेड़छाड़ की। प्रकृति ने दुखी होकर इंसान को घरों में नजरबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट। आज अपनी जान और आजादी की भीख मांग रहा है इंसान। सुनकर ये बहुत दुखी हो गया रजत, हाथ का रिमोट छूट गया और वो बेड पर निढाल लेटकर बुदबुदाया, सच तो यही है। बहुत अच्छी और बहुत सुंदर कहानी शिवचरण जी, आपको हार्दिक आभार और शुभकामनाएं, बिल्कुल आज की सच्चाई को बयां करती हुई स्थिति। अब अधूरी रचना पूरी करूं के अंतर्गत जो हमने आपसे कहानियां मांगी थी, उन कहानियों को मैं पढ़कर सुना रही हूं। कहानियां हमारे पास बहुत सारी आई थी, हमने 3 कहानियों का चयन किया है। और कहानी जो है उसकी शुरुआत मैं इसलिए बता देती हूँ ताकि लेखकों ने जो कहानियां हमें भेजी हैं आपको पता लगे कि उन्होंने कितने सुंदर ढंग से उनको बनाया है, वरना अगर मैं सिर्फ उनकी आपको कहानी बताऊंगी, आधी कहानी, तो वो आपको समझ में नहीं आएगी कि इसकी शुरुआत क्या थी। मैंने बताया था कि
रोज की तरह चकमक चूहा आज फिर किसी को उल्लू बनाने का सोचकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वैसे तो सारा मोहल्ला चकमक की कारस्तानियों से भली भांति वाकिफ था, परंतु चकमक की किस्मत बहुत बुलंद थी और इस वजह से उसे कहीं ना कहीं से अपना शिकार मिल ही जाता था। चकमक अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसे वहां एक छोटा सा बच्चा गुजरता हुआ दिखाई दिया, जिसके हाथ में ढेर सारे रंग बिरंगे गुब्बारे थे, नीला, लाल, हरा, गुलाबी, पीला, सफेद। अरे वाह, मैं तो ये सारे गुब्बारे लूंगा और अपने घर में सजाऊंगा, सोचता हुआ चकमक उस लड़के की पीठ के पीछे चल दिया। जैसे ही वे पार्क पहुंचे, गुब्बारे वाले को देखकर वहां पर खेल रहे बच्चों की आंखों में चमक आ गई और वे अपने मम्मी पापा से गुब्बारे खरीदने के लिए जिद करने लगे। उनमें से कुछ बच्चों की जिद तो मान ली गई, पर कुछ को डांट डपट कर बैठा दिया गया और इसलिए वे गुब्बारे वाले को हसरत भरी निगाहों से देखते रहे। उधर चकमक की नजर पूरी तरह से गुब्बारों की थैली पर थी, जिसे वो उठाकर भाग जाना चाहता था, पर उस लड़के ने थैली उसके डंडे में लटका रखी थी, इसीलिए चकमक उसे खींचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आगे की कहानी पूरी करके भेजिए हमें नीरू सिंह ने पश्चिम बंगाल से। तो नीरू जी, आपकी कहानी को मैं पढ़ रही हूँ। रोज की तरह चकमक चूहा आज भी किसी को उल्लू बनाने की सोचकर मन मन मुस्कुरा रहा था और जब वहां से गुब्बारे वाला निकला, जिसके हाथ में ढेर सारे रंग बिरंगे गुब्बारे थे, उसने सोचा कि मैं इनसे गुब्बारे लूंगा और अपने घर में सजाऊंगा। चकमक मौका ढूंढ रहा था कि किस तरह से वो गुब्बारे की थैली को ले भागे। गुब्बारे वाला बच्चों को जो बच्चे उसे गुब्बारे लेने आए थे उनको देने में इतना व्यस्त हो गया कि कभी वह गुब्बारे देता तो कभी छुट्टे पैसे निकालता। उसके लिए मुश्किल हो रहा था खड़े खड़े ये सब करने में, वो थक भी गया था। वही पार्क में एक कोने में एक लकड़ी की बेंच लगी हुई थी, वह उसमें जाकर बैठ गया तो बच्चों ने उसे वहां भी घेर लिया। उसने गुब्बारे की थैली को निकालकर बेंच पर रख दिया। गुब्बारे वाला बच्चों की बातों में उलझ गया और इधर चकमक को मौका मिल गया। वो धीरे धीरे सबसे नजरें बचाकर उस बेंच के नीचे आकर बैठ गया। गुब्बारे वाले का ध्यान पूरी तरह से बच्चों पर था और उनकी बातों पर। आज वो खुश था कि अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई। तभी चकमक ने एक जोर की छलांग लगाई और बेंच की लकड़ियों की फांकों में से गुब्बारे की थैली को मुंह में दबाकर भाग गया। दूर खड़ा जो बच्चा गुब्बारे को रुआंसे मन से देख रहा था, उसने चकमक को थैली लेकर भागते हुए देख लिया और वो जोरों से चिल्लाया, चोर चोर चोर, गुब्बारे लेकर भाग गया और वो उसके पीछे दौड़ा। वहां खड़ी सभी बच्चे और गुब्बारे वाला भौचक होकर देखने लगे। गुब्बारे वाला बेचारा मायूस हो गया। फिर क्या था, पार्क के पूरे बच्चे चकमक के पीछे दौड़ पड़े। चकमक भी आश्चर्यचकित रह गया कि अब मैं कहाँ जाऊं, सभी उसके पीछे पड़ गए थे। वो जिस बिल में घुसता बच्चे उसे खोद देते। बच्चों को इसमें मजा आने लगा था, उनको अपना एक नया खेल मिल गया था। पर बड़ी मशक्कत के बाद आखिर चकमक को पकड़ ही लिया गया। चकमक उन बच्चों का खिलौना बन चुका था। कोई उसकी पूंछ पकड़ता तो कोई उसके पैर खींचता, कितनी पतली है इसकी मूछें, और कोई ये कहकर उसे सहलाता। चकमक सोचने लगा, मैं तो अपने भोजन के पीछे जा रहा था, बेकार ही इस गुब्बारे वाले के पीछे पड़ा और इस मुसीबत में फंस गया। बच्चों ने चकमक की पूंछ में एक रस्सी बांध दी और उसे वही लकड़ी की बेंच से बांध दिया। चकमक की सारी हेकड़ी निकल गई थी। वह सोच रहा था कि मैं तो इन बच्चों के चुंगुल से निकलूं तो इस सीधा गांव के बाहर जाकर ही दम लूं। इसके बाद किसी भी व्यक्ति पर, किसी पर भी मैं अपनी कोई भी चालाकी नहीं दिखाऊंगा। गुब्बारे वाला उस बच्चे से बहुत खुश हुआ जिसने उसके गुब्बारे की थैली को बचाया था। उसने कहा, अगर तुम ना होते तो मुझे मेरी ये थैली नहीं मिलती। और ये कहकर उसने उस बच्चे को एक गुब्बारा थमाया और उसने चकमक की पूंछ वाली रस्सी भी खोल दी और चकमक चूहा वहां से जो दुम दबा के भागा तो सीधा भागता ही गया। बड़ी सुंदर कहानी। अगली कहानी पूरी की है एस भाग्यम शर्मा जी ने। ये जयपुर से इन्होंने हमें अपनी कहानी भेजी है।
चकमक चूहा बहुत ही परेशान हुआ, मैं कैसे इन गुब्बारों को ले पाऊंगा। गुब्बारे वाला तो अपने बांस को अपने हाथ में ही रखता था, चकमक शरारती तो था ही, उसका दिमाग भी बहुत काम करता था। गुब्बारे वाला जहां जहां जाता वो उसके पीछे पीछे गया। रात हो गई, उसे डर भी लगने लगा कि अरे ये मैं कहाँ आ गया, पर गुब्बारे का लालच उसे खींच ही लाया। गुब्बारे वाला जब रात को अपने घर चला गया तो चकमक चूहा भी साथ में मौका देखकर उसके घर के अंदर चला गया। चकमक घर के अंदर तो पहुंच गया, पर उसके घर में तो सब खा पी रहे थे, बच्चे उधम मचा रहे थे, उनके पास एक ही कमरा था, उसी में सब कुछ हो रहा था। बेचारा चकमक एक बोरी के पीछे छुप कर बैठा रहा। अब उसे भूख भी लगने लगी, उसे रोना भी आया, पर अब क्या करे चकमक। रात के 9 बज गए, सब लोग खा पी के सो गए। अब चकमक को तो अंधेरे में खूब दिखाई दे रहा था, वहां आटा पड़ा हुआ था। पहले तो उसने अपनी पेट पूजा की, केले भी पड़े हुए थे, उसका स्वाद भी चखा। अब उसने देखा कि सब लोग सो गए थे। अब चकमक उस्ताद ने उस गुब्बारे वाले के बांस पर जो दीवार के कोने में रखा हुआ था उस पर वो चढ़ गया। आराम से एक पैकेट जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे थे उसी पैकेट की रस्सी को काटकर मुंह में दबा लिया। अब बाहर जाने का चकमक रास्ता ढूंढने लगा। उसको बहुत डर लग रहा था, पेट तो भर चुका था, माँ की याद आ रही थी। गुब्बारा तो मिल गया था, पर अब बाहर कैसे निकलूं? अरे वाह, ये बड़ी अच्छी बात है, यहाँ तो एक खिड़की भी है, इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। इसमें तो जाली भी नहीं है, सिर्फ सरिये ही लगे हैं। चकमक बड़ा खुश होकर धीरे धीरे कूदता फांदता खिड़की पर पहुंच गया। एक बार घर के लोगों की तरफ देखा, गुब्बारे वाले को मन ही मन धन्यवाद भी दिया। अब चकमक गुब्बारे की थैली को लेकर बाहर आ गया, पर अब उसे डर लगने लगा कि मेरा घर कहाँ है। उसे रोना आने लगा। चकमक की माँ भी उसे खोजते हुए इधर उधर ढूंढने लगी। चकमक के दोस्त से पूछा तो वो बोला कि चकमक तो गुब्बारे वाले के पीछे पीछे जा रहा था, मुझे पता नहीं, मैंने तो मना भी किया लेकिन वो माना ही नहीं। चकमक की माँ को गुब्बारे वाले का घर पता था। वो जब चकमक को ढूंढते हुए आधे रास्ते चली तो चकमक मुंह में कुछ दबाए हुए चला आ रहा था। मम्मी को देखकर चकमक बहुत खुश हो गया। मम्मी ने डांटा, बिना बोले कहाँ चले गए थे? चकमक बोला, मुझे परेशान माँ बोली मैं परेशान हो गई थी। तो चकमक ने बोला, नहीं मुझे मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, मुझे माफ कर दो माँ, सॉरी, मुझे गुब्बारे चाहिए थे इसलिए मैं गुब्बारे वाले के पीछे पीछे चला गया था। मेरी बर्थडे आ रही है ना, और इसलिए मुझे अपना घर भी सजाना है। कोई बात नहीं बेटा, तू तो अपने दोस्त को ही कह देता, वो कम से कम मुझे खबर तो कर देता। बात तो ठीक है मम्मी, पर मुझे तो गुब्बारे वाले के पीछे पीछे ही जाना था ना। और वे दोनों घर आ गए। पेट भरा हुआ था, चकमक सो गया। दूसरे दिन चकमक की बर्थडे थी। मम्मी ने कहा, तू इन गुब्बारों को कैसे फुलाएगा? मम्मी आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, बस खाने पीने का इंतजाम कर दो, घर सजाने का काम मेरे ऊपर छोड़ दो। चकमक की मम्मी चली गई। चकमक ने अपने दोस्तों को बुलाया। अपने बिल के अंदर के आने जाने के पूरे रास्ते में उसने रंग बिरंगे गुब्बारे सजा दिए। अब आप सोचने लगे कैसे? तो चकमक बहुत होशियार था, उसने गुब्बारों में मिट्टी भर दी और लाइन से पूरे रास्ते में लगा दी। माँ बहुत सारी खाने पीने की चीजें लेकर आई। घर की सजावट को देखकर, घर में रंग बिरंगे गुब्बारे और साफ सफाई देखकर माँ बहुत प्रसन्न हो गई। शाम को चकमक के सारे दोस्त आ गए और उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आए, पर सबकी निगाहें उन रंग बिरंगे गुब्बारों पर ही थी। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, चिंता मत करो, मैं तुम सबको गुब्बारे दूंगा, आदमी लोग गुब्बारों को फुलाते हैं, मैंने तो सब में मिट्टी भर के रख दी, मेरे पास बहुत है, मैं सबको बांटूंगा। और उसके सारे दोस्त नाश्ता करके गुब्बारे लेकर खुशी खुशी चले गए। चकमक की होशियारी पर सबको बहुत नाज था। तो देखा आपने शरारती चकमक चूहे की होशियारी। और अब है तीसरी कहानी। ये कहानी हमें भेजी है जमीला संगवानी जी ने गुजरात से। चकमक बुद्धिमान होने के साथ साथ बहुत प्यारा भी था। वो शरारते भी बहुत बुद्धिमानी से करता था ताकि किसी का भी कोई नुकसान ना हो और सभी बहुत खुश रहें। लोग खुश होते तो चकमक चूहे को अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए देते। वहीं गर्मी बहुत थी, गुब्बारे वाले का गुब्बारा भी बहुत कम बिक रहा था। चकमक चूहा गुब्बारे की लालच में
बहुत प्यार से, बहुत देर से आस लगाए बैठा हुआ था कि कब उसे एक सुंदर सा गुब्बारा मिल जाए। कुछ बच्चे भी आस लगाए उसे देख रहे थे क्योंकि उनके मम्मी पापा ने उन्हें गुब्बारे नहीं दिलवाए थे। बस तभी क्या होता है कि सारे बच्चे इसी बीच में खेलने लगते हैं, चकमक भी सबके साथ मस्ती करने लगता है। तभी अचानक गुब्बारे वाला बेहोश हो जाता है और उसका सामान, गुब्बारे, उसका पैसा, थैला आदि जो कुछ भी वहां पर था वो सब कुछ बिखर जाता है। चकमक की नजर गुब्बारे वाले पर पड़ती है, वो सोचता है कि वो क्या करे, वो लोगों को कैसे बताए कि गुब्बारे वाला बेहोश हो गया है। किसी की नजर भी उधर नहीं थी, सभी अपने में व्यस्त थे। उसे चिंता होने लगी कि कहीं कोई गुब्बारे वाले की थैली का जो मतलब जिसमें पैसे रखे थे थैली लेकर ना भाग जाए। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने जल्दी से सबसे बड़े गुब्बारे को खोजा और अपने नुकीले दांतों से उसे फोड़ दिया ताकि उसकी आवाज से सबका ध्यान गुब्बारे वाले की तरफ हो जाए। और ऐसा ही हुआ, सभी बच्चे और बड़े गुब्बारे वाले की तरफ दौड़ पड़े। चकमक चूहा अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए उसके पैसों का थैला लेकर वहीं बैठ गया ताकि अब कोई भी उसकी मेहनत का पैसा गायब ना कर दे। इतने में सभी बड़े और बच्चे वहां पर आ जाते हैं और सोचते हैं कि क्या करें। तभी उनमें से कोई कहता है कि बेटा जल्दी से पानी लाओ। एक बच्चा पानी लाता है, गुब्बारे वाले के चेहरे पर पानी छिड़का जाता है और वो होश में आ जाता है। उसे अपने गुब्बारे और पैसों की चिंता होने लगती है। उसने देखा कि चकमक चूहा पास में ही पैसे का थैला लेकर बैठा हुआ था। ये देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। वो धीरे से उठता है और एक-एक गुब्बारा सारे बच्चों को बांट देता है और एक सुंदर सा गुब्बारा चकमक चूहे को भी देता है। और उसी समय चकमक भी पैसे का थैला उसे लौटा देता है। सभी अभिभावकों ने, पेरेंट्स ने जब ये देखा कि उनके बच्चों के हाथ में एक-एक गुब्बारा है, तो उन्होंने अपने-अपने बच्चों के गुब्बारों का पैसा गुब्बारे वाले को दे दिया। उसने मना भी किया लेकिन उन लोगों ने जबरदस्ती उसको पैसे पकड़ा दिए। उसने सब लोगों को धन्यवाद दिया चकमक चूहे की चालाकी और बुद्धिमानी की वजह से। उसकी जान बची थी और उसके पैसे भी बच गए थे। भगवान की दया से सारे ही गुब्बारों के उसे पैसे मिल गए थे और ये सब कुछ हुआ चकमक चूहे की वजह से। तो अधूरी रचना पूरी करो के अंतर्गत आप लोगों ने जो कहानियां भेजी वो बहुत अच्छी कहानियां थी, पर हमारे पास समय सीमा का एक हमें ध्यान रखना होता है, इस कारण हमने सिर्फ 3 कहानियां ली। और जिनकी कहानियां मैंने आज पढ़ी हैं वो भी अगली बार के लिए भी अपनी कहानियां भेज सकते हैं। और अब जैसा कि ये हमारे कार्यक्रम का फॉर्मेट है, मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी और उसके बाद आपको अधूरी रचना पूरी करने के लिए कहानी की कुछ पंक्तियां दूंगी। कहानी का शीर्षक है जादुई चश्मे। बहुत समय पहले की बात है, प्रतापगढ़ राज्य में प्रसेनजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और हमेशा उनके सुख दुख को दूर करने का प्रयत्न करता रहता था। इसीलिए प्रजा भी अपने राजा को भरपूर प्यार और सम्मान देती थी। पड़ोसी देश का राजा चतुर सेन ये देखकर बहुत चिढ़ता था। उसने कई बार अपनी विशाल सेना के साथ प्रतापगढ़ पर आक्रमण किया परंतु उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी। प्रसेनजीत की प्रजा की एकता और हिम्मत के आगे उसे सदैव घुटने टेकने पड़े। आखिर तमाम प्रयासों के बावजूद वो उसको जीत नहीं पाया। आखिर उसने छल और कपट के सहारे जो है प्रसेनजीत को हराने के लिए सोचा। उसने अपने दूत को 2 जादुई चश्मों के साथ प्रतापगढ़ भेजा और दोस्ती का संदेश पहुंचवाया। दूत ने दरबार में जाकर राजा की जय जयकार करते हुए कहा, हमारे राजा ने आपके लिए 2 जादुई चश्मे भिजवाए हैं जिसमें एक को लगाने के बाद सब लोग हर जगह हंसते और मुस्कुराते हुए नजर आते हैं और दूसरे को लगाने के बाद असलियत नजर आने लगती थी। राजा इन अनोखे चश्मों को देखकर बहुत खुश हो गया और उसने खुशी के मारे दूत को गले से लगा लिया। ये देखकर दूत ने और भी अधिक नम्र बनते हुए कहा, महाराज अगर आप इन चश्मों को सदैव लगाए रहेंगे तो आपकी प्रजा को कभी भी कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी और आप बार बार चश्मा उतारेंगे तो आपकी प्रजा को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।
ये सुनकर राजा डर गया, क्योंकि वो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह प्यार करता था, अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। वो तुरंत बोल पड़ा, नहीं, मैं अपनी प्रजा को हर संकट से बचाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे हर समय ही चश्मा क्यों ना पहनना पड़े। और ये कहकर उसने दूत को भी अपने साथ रहने के लिए आज्ञा दे दी। धीरे धीरे दूत ने पूरी तरह से राजा का विश्वास जीत लिया और हर समय साये की तरह उसके साथ रहने लगा। अब तो राजा ने दोनों चश्मे दूत से ही लेकर पहनने शुरू कर दिए। एक दिन मौका पाकर दूत ने राजा को असलियत दिखाने वाला चश्मा छुपा दिया और उसकी जगह दूसरा चश्मा, जो कि हमेशा खुशहाली और समृद्धि दिखाता था, वो रख दिया। अब राजा जब भी नगर में भ्रमण पे जाता तो लोग उसे हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते नजर आते। वो ये देखकर बहुत खुश होता कि अरे वाह, मेरी प्रजा तो बहुत खुश है। अपनी चाल कामयाब होती देखकर दूत ने अपने राज्य से धूर्त और मक्कार लोग भी बुलवा लिए और उन्हें मंत्रियों के पदों पर नियुक्त करवा दिया। ये लोग प्रजा में जाकर खूब जमकर उत्पात मचाते और उनका शोषण करते। राजमहल तक भी अगर कोई अपनी फरियाद लेकर जाता तो उसे महल के दरवाजों से ही वापस लौटना पड़ता। उधर इन सब बातों से बेखबर राजा जब भी चश्मा पहनकर राज्य का भ्रमण करता तो उसे प्रजा के लोग तो हमेशा हंसते मुस्कुराते ही नजर आते और वो इसे चश्मों का ही करिश्मा सोचकर मुस्कुरा उठता। वो सोचता कि ये असलियत वाला जो चश्मा है, जिसे पहनकर मैं नगर भ्रमण पे निकलता हूं, इससे जब मुझे पता चलता है कि मेरी प्रजा कितनी खुश है। महामंत्री ये सब देखकर बहुत दुखी था। वो उसने राजा को सच्चाई बताने की बहुत कोशिश करी और उसने कई बार प्रयत्न किया, पर राजा जो है वो महामंत्री की बात सुनकर गुस्सा हो जाता, नाराज हो जाता और वो सोचता कि महामंत्री जो है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसको दूत की तरह चाटुकारिता करनी नहीं आती थी। महामंत्री हमेशा सच बोलता था। एक दिन महामंत्री को अपने गुप्तचरों के द्वारा सूचना मिली कि राजा चतुरसेन उसके राज्य में आक्रमण करने की योजना बना रहा है। ये सुनते ही महामंत्री जैसे आसमान से गिरा। उसे अब राजा चतुरसेन की पूरी चालाकी समझ में आ गई और वो तुरंत उस ओर भागा जिस तरफ राजा भ्रमण के लिए निकला था। राजा को देखते ही वो उसकी तरफ दौड़ा और राजा का हाथ पकड़कर उसने चश्मा जमीन पर पटक दिया। अपना चश्मा टूटते देखकर राजा का गुस्से के मारे खून खौल उठा। वो गुस्से से चिल्लाकर बोला, तुम्हारी इस धृष्टता के कारण कल ही तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये कहते उसने महामंत्री को जोरों से छटका दिया। बेचारा महामंत्री लुढ़कता हुआ रथ के नीचे आकर गिर गया। दूत ने यह सब देखकर पलक झपकते ही राजा को दूसरा चश्मा लगा दिया कि कहीं राजा प्रजा की असलियत ना देख ले। पर महामंत्री दूत की चालाकी समझ गया और उसने झटके से खींचकर राजा का दूसरा चश्मा भी फेंक दिया। अब तो राजा का गुस्सा सातवें आसमान पे जा पहुंचा। उसने तमतमाते हुए अपनी तलवार निकाली और महामंत्री के पीछे दौड़ा, पर दो कदम भागने के बाद ही उसे मानो चक्कर आने लगे। वहां पर जितने भी लोग खड़े हुए थे वे सभी जैसे नरकंकाल लग रहे थे। बच्चे भूख से बिलबिलाकर जोर जोर से रो रहे थे। उनकी माँ उन्हें चुप कराने के बजाय और तेजी से रो रही थी। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसके पैर दुख और घबराहट के मारे कांपने लगे और वो सिर पर हाथ धरकर वहीं सड़क पर बैठ गया। ये देखकर महामंत्री उसके पास आया और भीगे स्वर में बोला, महाराज मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि आपने बिना जांचे परखे ही दुश्मनों के जासूस पर इतना भरोसा कर लिया और हम लोग जो बरसों से इतनी ईमानदारी से आपकी सेवा करते चले आ रहे हैं, आपने हमारी ये बात सुनना बंद कर दी। ये सब चतुर सेन की चाल थी। वो आपको जैसा दिखाना चाहता था आप बिल्कुल वैसा ही देखते थे और कल तो वो हमारे राज्य में आक्रमण करने आ रहा है। ये सुनते ही राजा ने क्रोध से कांपते हुए दूत की ओर देखा, जो अपनी असलियत खुल जाने के डर से डर के मारे थरथर कांप रहा था। जैसे ही राजा उसके पास पहुंचा, दूत रोते हुए राजा के पैरों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोते हुए माफी मांगने लगा।
राजा चतुरसेन ने उसे प्यार से उठाते हुए कहा, तुम तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे। गलती तो मेरी थी जो मैंने बिना सोचे समझे, बिना जाने बूझे दूसरों की बात पर विश्वास किया। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि उन चश्मों के पीछे का रहस्य क्या है। और सच्चाई को जाने बिना बगैर, मतलब बिना जाने सच्चाई को बगैर जाने मैंने जादू का सहारा लिया। मैंने अपनी बुद्धिमानी पर अपने दिमाग का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया। तुम सभी अपने साथियों को लेकर यहां से सकुशल जा सकते हो। दूत ने जब ये सुना तो उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरने लगे। उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जिस राजा को वो छल और कपट का सहारा लेकर बर्बाद करने वाला था, वह इतना उदार और महान है। वह रूंधे गले से राजा से बोला, महाराज, मैं आपको वचन देता हूं कि आप हमारे राजा के कारण सही आपको आपको सही अर्थों में मित्रता एवं सहृदयता का अर्थ समझ में आएगा। और हमारे जो राजा हैं, वो आपसे बिल्कुल जैसे एक मित्र होते हैं उसकी ही भांति व्यवहार करेंगे और सदैव आपके मित्र बने रहेंगे। और ये कहकर दूत अपने साथियों के साथ चल दिया अपने राज्य की तरफ, एक सुखद भविष्य की ओर। तो ये थी मेरी कहानी जादुई चश्मे। अब मैं आपको आज की अधूरी कहानी बताने जा रही हूँ। मैं आपको 3 या 4 वाक्य दूंगी, उसको आपको हमें पूरा करके भेजना है। आपको जो हमारी ईमेल आईडी है उसको मैं आपको बता दूं, बहुत सरल है, कहानीशाला.com, माफ कीजिएगा, कहानीशाला@gmail.com। मैं इस पर आउट कर देती हूँ, kahanishala@gmail.com। तो यहाँ पर आप जो हैं हमको अपनी कहानियां भेज सकते हैं शुक्रवार तक, और शुक्रवार की रात तक या शनिवार तक दोपहर तक आप कहानियां भेज दें। और उसमें से जो 3 कहानियां चयनित होंगी उनको मैं अगली बार यहाँ पर आपको पढ़कर सुनाऊंगी। कहानी जैसे कि त्योहार आने वाला है तो दिवाली की ही लेते हैं। मैं आपसे कब से कह रही हूं कि आप मुझे कोई सामान दिलवा दो, पर आप मुझे इस दिवाली पर भी नए पेंसिल, पेन और कोई भी सामान नहीं दिलवा रही हैं। दीपिका ने अपनी माँ से कहा। माँ ये सुनकर परेशान हो गई और उन्होंने कहा, अभी कुछ दिन पहले ही तुमने नया बस्ता, नया पेन और नई कॉपी खरीदी थी और अभी एक हफ्ते बाद दिवाली है और तुम्हें फिर से सारा सामान चाहिए। तो इस पर दीपिका ने कहा, तो क्या हुआ, चाहे मैंने भले ही नया सामान खरीदा पर अब दिवाली के कारण मुझे ये सब फिर से चाहिए। तो ये है कहानी की शुरुआत की पंक्तियां। इन कहानियों को आपको हमें पूरा करके भेजना है। कहानियों का जो कार्यक्रम का जो फॉर्मेट है वो उसी तरह से चलेगा। एक कहानी मेरी होगी, 3 कहानियां आपकी होंगी जो अधूरी रचना पूरी करो के अंतर्गत होंगी, 2 चयनित कहानियां होंगी जो हमारे लेखकों का चयन हुआ है, उनकी 4 कहानियां मैं अभी तक सुना चुकी हूँ, 5 कहानियां बची हैं। तो एक रविवार को 2 और एक रविवार को 3 कहानी मैं सुनाऊंगी। और उसके अलावा आप लोग जो कार्यक्रम के लिए आप लोगों ने जो अपना फीडबैक दिया और आप सबको इतना पसंद आया और मुझे आपकी कहानियां पढ़कर बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देती हूँ और अगले इतवार हिंदी कहानी शाला में 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी नई नई कहानियों के साथ। नमस्कार।